सैलून वीकम से वो फिर सब सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस नए वीडियो में। सो सभी के ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने पबजी मोबाइल एंड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI को कैसे अपडेट कर सकते हो 1.5.0 के अपडेट के अंदर में। तो अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। आप लोग को प्रॉपरली 2 से 3 तरीके बताऊंगा जिनसे कि आप लोग BGMI एंड पबजी मोबाइल दोनों को ही अपडेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, एंड कल के दिन मैंने वीडियो में बोल भी दिया था कि जो आप लोग का अपडेट आज के दिन यानी कि 6 तारीख को आने वाला था वो अब आप लोग का 9 तारीख को आने वाला है। तो जो भी मैं मेथड आप लोगों को बताऊंगा ये सारे मेथड आप लोग 9 तारीख को यूज करना एंड आप लोग इजीली अपने पबजी मोबाइल को अपडेट कर पाओगे एंड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भी अपडेट कर पाओगे। तो आज के दिन कोई भी अपडेट नहीं आने वाला है, अपडेट आप लोग का जो आएगा वो आएगा 9 तारीख को, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड आप लोग को एक एक करके बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप लोग अपने BGMI एंड पबजी मोबाइल को अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं BGMI के बारे में यानी कि आप लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को तो सबसे पहला तरीका आप लोगों के पास होता है प्ले स्टोर, यानी कि आप लोगों को पता है देखो BGMI एक बिल्कुल फ्रेश ऐप है और ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो साथ ही साथ आप लोग इसको अपडेट भी कर सकते हो। तो जैसे ही 9 तारीख को सुबह में आप लोग बैठ जाना और चेक करने लग जाना कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अपडेट आया या फिर नहीं आया, तो प्ले स्टोर पर आप लोग सिंपली जाकर के टाइप करोगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, यहां पर आप लोगों को ऐप मिल जाएगी और जैसे इधर अपडेट का आइकन आप लोगों को शो होगा फटाफट से आप लोग गेम को अपडेट कर देना। और मान लो अगर आप लोगों के पास में इधर कोई भी अपडेट नहीं आया क्योंकि प्ले स्टोर में थोड़ा सा लेट अपडेट आता है, तो ऐसे में आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। सिंपली गूगल पर जाकर के लिखना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, बाकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप लोग ये वाली वेबसाइट पर आओगे तो यहां पर आप लोग को डाउनलोड नाउ का बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली आप लोग उस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या फिर 3 लाइन्स पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहां भी आप लोग को डाउनलोड का एक टैब ऐड कर दिया है, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां से भी आप लोग गेम को डाउनलोड कर सकते हो। एनकेस अगर आप लोग इन दोनों में से किसी भी जगह पर अपडेट नहीं मिला है तो ऐसे में आप लोग थर्ड पार्टी ऐप का सहारा ले सकते हो जिसमें आप लोग की टैप टैप आ जाती है, अप टू डाउन आ जाती है, APK प्योर आ जाती है। तो इस तरह की काफी सारी ऐप है जिनमें से एक पॉपुलर है जिसका नाम है टैप टैप। तो अगर आप लोग के पास में टैप टैप है या नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो आप लोग उधर सिंपली सर्च बार में जाना है, जाकर के जो भी आप लोग पबजी का वर्जन अपडेट करना चाहते हो वो आप लोग इधर से कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग इधर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आ चुका है आप लोगों के सामने, और यहां पर अगर आप लोगों को अपडेट का बटन आ जाता है जैसे इधर ये अपडेट डालेंगे टैप टैप वाले, तो ऐसे में जो आप लोगों का प्ले वाला बटन है वहां पर आप लोगों को अपडेट का आइकन आ जाएगा। जैसे आप लोग अपडेट पर क्लिक करोगे आपका गेम इजीली अपडेट हो जाएगा, और पता नहीं कहां से भाई साहब बहुत जल्दी जुगाड़ करके ले आते हैं। तो ऐसे में आप लोग इधर का भी सहारा ले सकते हो, काफी सारी ऐप मैंने आप लोगों को बताई है, किसी भी ऐप का सहारा ले सकते हो, APK प्योर हो गई, अप टू डाउन हो गई या फिर टैप टैप हो गई। इसके अलावा गाइस अब बात करें कि भाई पबजी मोबाइल को कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो, तो सिंपली आप लोगों को सर्च बार में जाना है, यहां पर आप लोगों को टाइप करना है पबजी मोबाइल। जैसे कि मैंने बताया टैप टैप पर आप लोगों को सब मिलेगा, आप लोग इधर से चाइनीज वर्जन को भी अपडेट या फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इधर पबजी लिखता हूं तो आप लोग सिंपली नीचे की तरफ देख सकते हो पबजी ग्लोबल का आइकन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो आप लोग इधर देख सकते हो पबजी मोबाइल और नीचे में ग्लोबल लिखा हुआ है। तो ये है हम लोगों का ग्लोबल वर्जन और ये भी आप लोग इधर से अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहीं से टैप टैप से ही अपडेट नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर देखना, वेबसाइट देखना, उसके बाद आकर के टैप टैप का सहारा लेना, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है टैप टैप से आपका गेम नहीं चल पाता है, फिर आप लोगों को VPN वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप लोग बिना VPN के पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन को खेलना चाहते हो तो आपके पास एक USA की Gmail ID होनी चाहिए एंड उसके बाद VPN लगा लेना USA का ही। जैसे आप लोग ये चीज कर लोगे उसके बाद आप लोगों को सर्च बार में जाना है, पबजी को सर्च करना है, और जैसे आप लोग सर्च करोगे पहला वाला जो आइकन आएगा सिंपली इस पर क्लिक करना है, और आप लोगों को अगर अपडेट आएगा प्ले स्टोर के ऊपर में तो यहां से भी आप लोग इजिली अपडेट कर पाओगे। और अगर आप लोग प्ले स्टोर से अपडेट करते हो तो ऐसे में आपको किसी भी VPN का सहारा नहीं लेना पड़ता, आपका गेम बिना VPN के चलता, बस एक बार लॉग इन करते टाइम आप लोग को VPN को लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लोग पबजी मोबाइल को एक और तरीके से अपडेट करना चाहते हो, USA की Gmail ID नहीं है, तो ऐसे में आप लोग जा सकते हो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर। आप लोग सिंपली एक VPN कनेक्ट करना, उसके बाद में पबजी मोबाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जैसे मिशन इग्निशन वाला मोड आएगा तो सबसे पहले पीछे वाला बैनर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को APK डाउनलोड वाले बटन पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग इधर देखोगे पबजी मोबाइल 1.4.0 लिखा आ रहा है। 9 तारीख को इधर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो इधर 1.5.0 लिखा आना चाहिए एंड उसके बाद आप लोग डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करना। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल वगैरह कर लेना, उसके बाद आप लोग का जो भी प्रोसेस रहेगा लॉगिन वगैरह वाला वो करके आप लोग गेम को इजीली खेल सकते हो। तो मैंने आप लोग को पबजी मोबाइल और BGMI दोनों के ही तरीके बता दिए कैसे आप लोग डाउनलोड और अपडेट कर सकते हो, एंड गाइस साथ ही साथ PUBG KR को भी आप लोग इसी तरह कर सकते हो, टैप टैप से जाकर के कर सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बता दूं जैसे आप लोग का 9 तारीख को अपडेट आएगा तो काफी बार ऐसा भी होता है जो अपडेट की लिंक है वो लीक होकर के आ जाती है पहले ही,
तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो ऐसे में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि वो जो अपडेट की लिंक है वो एक दो दिन पहले ही आ जाती है। तो अगर आप लोग सबसे पहले अपडेट करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को तरीके बता दिए जिनसे आप लोग खुद से जाकर के ट्राई कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपका भाई भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लेकर के आता रहेगा आपके लिए, ताकि आप लोग सबसे पहले गेम को अपडेट कर पाओ। तो चलिए गाइस, अभी की ये वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे एक बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।